से भी जाने लग गए हैं चलने के लिए। मम्मी ने खोल लिए हैं, देखिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा सुमेध ब्लॉग्स में। और आज ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ मैं सुबह 6:30 बजे से। और आज मैंने सोचा जल्दी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से अभी मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आया है। और आज देखिए मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रखा है। कल पूरी रात भर बारिश थी और अभी थोड़ा बहुत मौसम खुलने लग गया है। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं मौसम का नज़ारा आज का, और बाकी पूरे दिन भर में जो जो होता रहेगा मैं आपको भी दिखाती रहूँगी। ब्लॉग में बने रहना आप मेरे साथ। तो अभी चलो दिखाती हूँ मैं आपको मौसम का नज़ारा। तो देखिए बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, अभी बारिश आने के चांसेस हैं। बाकी वैसे मौसम खुल रहा है धीरे धीरे, और बच्चे भी जाने लग गए हैं चलने के लिए। मम्मी ने खोल लिए हैं, देखिए। चलती हूँ घर पे और अब करती हूँ घर का काम पहले, और फिर उसके बाद आगे जो जो होता रहेगा आपको भी दिखाती रहूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ घर पे, और बर्तन वर्तन धोने हैं, नाश्ता पानी करना है, बहुत काम है अभी। तो धूप भी बहुत तेज़ लग गई है, और गांव में ना बाहर काम करना पड़ता है, धूप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए बहुत तेज़ धूप लग गई है, और मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो पाता धूप में काम, मेरा काम करने का मन नहीं करता धूप में। पर कर दूंगी फटाफट से, बर्तन वर्तन तो अंदर ही धोने हैं, तो इसीलिए। और अब थोड़ा मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ कटहल के पेड़ के नीचे। तो दोस्तों मैंने अभी घर का भी सारा काम कर लिया है, और अब मैं चलती हूँ ऊपर, ऊपर वाले नए घर में, क्योंकि आज उसकी सेटरिंग खुल रही है लेंटर की, आज काम करने वाले आ रखे हैं। तो इसीलिए अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, देखती हूँ कितना कितना खुल गया है, और आप भी ब्लॉग में बने रहना, आपको भी दिखाती हूँ। तो चलो अभी चलती हूँ मैं ऊपर। तो अभी मैं इधर जा रही हूँ फिर गाय लेने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी आ गई थी घर पे। तो मम्मी ने बोला कि तू चली जा, वहाँ भाभी अकेली है, तो तू गाय लेके आ जाना। तो मैं जाने लग गई हूँ अभी गाय लेने, और टाइम भी 10 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में गाय चराने के लिए रहूँगी, और फिर उसके बाद लेके आ जाऊँगी। अपने आप ही आ जाते हूँ, क्योंकि टाइम हो जाता है तो फिर आ जाते हैं। तो अभी चलती हूँ मैं। और एक गुहेर आ गया हमारा, और अब मुझे लग रहा है सारे ही गोर आने लग गए हैं गाय बछड़े। तो अभी जाती हूँ मैं, देखती हूँ, हमारे नहीं आए अभी। ये है सोनी और की गाय, और ये है हमारी, और भाभी भी आ गई है। हैं, और देखिए दोस्तों भाभी खुतड़े टीप, ये आ जा रहा है आज, ये डरता है। ये देखिए खुतड़े टीप के भी ले आई है भाभी, ये जंगली सब्जी होती है। ये कल ही आ रही है पीछे से, चल कर लिया, चलो चलो मिलवा दे खींची, चलो मालवा देखा तो भाभी के। अच्छा निराहुल निराहुल ना। दोस्तों अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, और मैं आ गई हूँ गाय चराने, क्योंकि सुबह से आज हमारा बहुत सारा काम रखा है। आज लेंटर का, लेंटर की सेटरिंग खुल गई है, इसीलिए ज़्यादा काम हो गया आज। तो हम वहीं थे पूरे दिन, तो दिन में भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और अभी मैं गाय चराने आ रखी हूँ, क्योंकि ये भी बंद है अभी तक अंदर ही। तो मम्मी ने बोला तो गाय चरा ले, तब तक मैं उनके साथ वहाँ हेल्प कराती हूँ। तो इसलिए मम्मी अभी घर पर है, और मैं गाय चराने आ गई हूँ, और सोनी भी आ रखी है मेरे साथ। तो अभी गाय चराती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद चलते हैं घर। देखिए चरने लग गए हैं हमारे तीनों के तीनों शेर, और मच्छर खा रहे हैं इनकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे
आसमान में आपको फॉरिंग्स उड़ती हुई दिख रही होगी छोटी छोटी। इनको हम बचपन में पकड़ते थे और इनका पूंछ बांध के और इनको उड़ाते थे हम आसमान में। तो देखिए अभी उड़ रहे हैं ना, छोटे छोटे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रखे हैं आजकल, ये निकल रहे हैं बाहर। दोस्तों देखिए मैं अभी इस पेड़ में बैठी हुई थी और इसमें देखिए ये इतना बड़ा गुज्जा बैठा हुआ है। इसको अगर मेरे पे लग जाता नहीं है, इसको हम गुज्जा बोलते हैं, कीड़ा है एक बड़ा सा। इस पर देखिए बाल कितने बड़े बड़े हो रखे हैं, अगर इंसान पे लग जाए ना इसके बाल तो पूरे शरीर पे चुभने लग जाते हैं। इसीलिए सोनी ने तब तक मुझे बता दिया था, अचानक मैं उठ गई वहाँ से। देखिए कितना बड़ा कीड़ा है ये, सही हुआ मैं उठ गई यहाँ से भाई। अभी तक तो सोनी मेरे पे तो खुजली हो जाती। आजकल बहुत सारे होते हैं ये बरसात के टाइम में, क्योंकि घास ही घास हो रखी है चारों ओर, तो इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं आजकल, बहुत निकलते हैं। और ये मोटी ने बचा लिया है मुझे। हेलो गाइस, आ गई हूँ गाय चरा की भी। और देखिए कल्लू और कल्ली बैठे हुए यहाँ पे, और इधर मैं दिखाती हूँ नए नए लोग आ रखे हैं हमारे यहाँ, मिलवाती हूँ मैं आपको। तो देखिए आयुष आ रखा है देहरादून से और इसने नई बाइक ले ली है, पर जैसे पार्टी के नाम पे उधर भाग रहा है ये, पता नहीं कब देगा हमें पार्टी। ध्यान से पहचान लो आप इसको, ये हमें पार्टी नहीं दे रहा है ना इसे। इधर मेरी माँ भी लगी हुई है अभी काम पे, जितना काम वो करते हैं उनके साथ मेरी मम्मी भी उतना ही काम करती है देखिए। और ये सारे पत्थर अंदर भरने थे तो सुबह आधे भर दिए थे, आधे रह गए थे। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी धुआं लगा दिया है, ये है अंगीठी, मतलब अंगीठी बोलते हैं हम इसको गढ़वाले में। और धुआं लगा दिया है मैंने इसमें गाय बछड़ों के लिए, क्योंकि आजकल मच्छर और धूली बहुत ही ज़्यादा हो रखी है और काट रहे, तो इसको मैंने एक गौशाला में पहले भर दिया था धुआं, और अब दूसरी गौशाला में भी रख दिया है। और अब यहाँ पर बाहर लेके आ गई हूँ मैं इसको, क्योंकि वहाँ अंदर धुआँ हो गया था। और शहरों में मोर्टिन से भगाते हैं और पहाड़ों में इस धुएं से भगाते हैं हम मच्छरों को। तो अभी ये मैंने यहाँ पे रख दी है, थोड़ी देर बाद अब इसको घर में ले जाएंगे, घर में भी बहुत ज़्यादा मच्छर और हैं, तो इसको घर में चौक में जला देंगे और मच्छर भी भाग जाएंगे। तो अभी दोस्तों आज का ब्लॉग भी बस मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए बाय बाय।